हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं। और देखिए, इसको हमने बिल्कुल ही नए तरीके से बताया है। यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर में ये जामनी कलर से पत्ती डाली हुई है, ब्लैक कलर में पिंक से डाली हुई है और चार कलर की बुनी है। आप इसको पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जिस कलर से ये कली स्टार्ट करना चाहते हैं उस कलर से फंदे लेंगे। तो सिंगल जो बूल है उसको हमने डबल कर रखा है, उसी से हम फंदे डाल रहे हैं। तो फंदे हम देखिए बिल्कुल सिंपल, आप देखिए जैसे चाहें वैसे डाल सकते हैं, आप ऐसे भी फंदे डाल सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा आपको आराम से बुनना पड़ेगा। ये बिगनर्स के लिए फंदे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता फंदे डालना। तो ऐसे तो इस तरह से हमें 24 फंदे डालने हैं। 24 फंदे का हम बता रहे हैं आपको। आप बड़ा छोटा चार के मल्टीपल में फंदे बढ़ा लें, उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम फंदे ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 24 फंदे हमने ले लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आप चार के मल्टीपल में फंदे लेके इसको बना सकते हैं। तो देखिए, अब हम फर्स्ट रो में ही डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक फंदा हमने उतार लिया, बूल अपने तरफ किया और यहाँ से देखिए ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये देखिए 14 फंदे हमने इधर रख लिए और 10 फंदे हमने इधर रखे हैं। फंदे आपके अपने हिसाब से होंगे और इस तरह से आपको ये फंदे रखने हैं। तो यहाँ से देखिए, हमें कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर ऐड कर लेंगे। जो भी कलर आप लगाएंगे स्टार्टिंग में वो आपको यहाँ से लगाना है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ फंदे हमने बुने, 2 बिना बुने यहाँ पे छोड़ दिए और बूल को इधर किया, सलाई को हमने पलट लिया। और इस रो में जो जिस कलर से है उस कलर से बनाते हुए हम जाएंगे लास्ट तक। ये देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये धागा जो होगा उसको आप ऐसे निकाल के ऐसे देखिए क्रॉस में इसको आगे लाएंगे ताकि यहाँ पे कोई होल ना हो और ये फंदे हम उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लास्ट तक हम ऐसे ही बुनेंगे। सीधे तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, जो भी चेंज होगा वो उल्टे तरफ से होगा। ये देखिए, इस फंदे को हम इधर से बुनेंगे, उल्टे तरफ से उतारेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको हम उतार लेंगे तभी आपकी इस तरह की ये चेन आएगी। तो यहाँ से हमने इसको उतारा, बूल ऐसे घुमाते हुए अपने तरफ किया। यहाँ से देखिए, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये देखिए फिर से हमने 14 फंदे बुन लिए, क्योंकि हम यहाँ पे चार रो ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6 अब 2 हमने फिर से छोड़ दिए और हम बूल को यहाँ से इधर करके पूरी रो जो जिस कलर से है उसको हम कंप्लीट करेंगे। इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली और देखिए यहाँ से ये चार रो कंप्लीट हो गई दोनों तरफ की। 2 गांठ स्टिच यहाँ पे आ गई हैं। अब हम चार चार फंदे इधर को जाएंगे और 2-2 फंदे इधर को छोड़ेंगे। तो इस तरह से इसको आपको बनाना है और बिल्कुल ये सिंपल है, बहुत ही जल्दी आप बना लेंगे। तो यहाँ से हमने देखिए, ये 2, 3, 4, 5, 6,
सात आठ नौ दस, दस फंदे हमने बुने। ये देखिए चार हम इस कलर से बुन लेंगे ऐसे, एक दो तीन चार। अब हम यहाँ से पाँच छः सात और आठ, दो हमने फिर से छोड़ दिए और यहीं से हम पलट लेंगे और यहाँ से देखिए जो जिस कलर से है उसको हम लास्ट तक बना लें। इस तरह से हमने सीधे तरफ से ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए उल्टे तरफ से हम वापस यहाँ से इस फंदे को उतार लेंगे, बूल अपने तरफ करेंगे और इस वाली बूल को भी हम ऐसे आगे ले जाएंगे क्योंकि आगे की कली हमें इस कलर से बनानी है। तो यहाँ से तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस, ये देखिए दस फंदे हमने बना लिए। अब हम वापस इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः, छः बनाने के बाद हमने ये दो फिर से छोड़ दिए। यहीं से हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पे जो जिस कलर से है उसको हम लास्ट तक बना लें। ये देखिए इधर से रो हमने कंप्लीट कर ली। तो देखिए इस साइड में चार रो फिर से पूरी हो गई, हम चार फंदे फिर आगे आएंगे। तो देखिए यहाँ से इस फंदे को उतारा और हमने बूल यहाँ से अपने तरफ कर लिया, दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बुने और यहाँ से हम चार फंदे इसी कलर से बना लेंगे ऐसे। देखिए उसके बाद पाँच छः सात आठ, दो हमने फिर से छोड़ दिए और हम यहीं से पलट लेंगे, यहाँ पे जो जैसा है लास्ट तक बनाएंगे। ये देखिए इस साइड से रो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ से हम वापस इस फंदे को उतार लेंगे, बूल अपने तरफ, यहाँ से दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हमने बनाए। उसके बाद हम इसको इधर करेंगे, यहाँ से दो तीन चार पाँच और छः, यहीं से हम पलट जाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जो जैसा है उसको वैसे ही बनाना है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे चार रो इसकी फिर से पूरी हो गई, तो हम चार फंदे फिर से आगे तक बनाएंगे। ये देखिए इसको उतारा, ये देखिए एक बुन लिया। तो लास्ट में हमारे पास जब दो फंदे रह जाएंगे, आप जितना मर्जी बड़ा बनाएंगे इसी तरह से चार चार फंदे बढ़ाते हुए ऊपर तक आ जाएंगे और इस साइड दो दो फंदे छोड़ने हैं आपको, बराबर फंदा बराबर छूटता रहेगा। ये देखिए यहाँ से चार पाँच छः सात और आठ, आठ बनाने के बाद हम पलट जाएंगे और हम यहाँ पे जो जैसा है उसको वैसे बना। देखिए इधर की रो कंप्लीट कर ली। अब इस फंदे को हम फिर से उतारेंगे और एक फंदा बुनेंगे, देखिए, और इसको हम इधर कर देंगे। यहाँ से हम इसे ऐसे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, दो हमने फिर से छोड़ दिए, यहीं से हम पलट जाएंगे। देखिए तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये हाफ कली बना के कंप्लीट कर ली। आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ दूने सोलह, सोलह फंदे छूट गए हैं हमारे और लास्ट में हमारे ये दो फंदे ये ऑरेंज कलर के रह गए हैं और ये वाले फंदे दो दो चार दो छः दो आठ ये नहीं छूटे, चौबीस में से ये हमने यहाँ पे सोलह छूट दिए। अब देखिए हम ऊपर के साइड जाएंगे, तो अभी हम इधर को चार फंदे बढ़ा रहे थे, अब हम अंदर के साइड से चार फंदे ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए जब ये वाली दो रो आ जाएंगे तब, अब यहाँ से हम दो फंदे तो ये बुन लेंगे ऐसे और यहाँ से हम चार फंदे ले लेंगे, एक दो तीन और चार, ये देखिए अब यहाँ तक दो दो चार दो छः दो आठ, आठ फंदे तक बिना छूटे थे। तो यहाँ से देखिए अब दो फंदे तो हम ये बुनेंगे,
दो हम आगे से लेंगे। यहाँ पे हमने ये चार फंदे ले लिए और हम यहीं से पलट लेंगे ऐसे। अब मेरे पास ये चार बैंगनी कलर के हैं। अब दो दो फंदे हम आगे से लेते हुए जाएंगे और ये चार चार रो जब हो जाएंगे उसके बाद हम ये बनाते जाएंगे। देखिए अब ये दो हो गए हैं, दो अभी और बनानी है। तीन चार पाँच छः, छः ही बुनेंगे अभी हम। अब यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से हम चार ये बुनेंगे, दो आगे से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे होगी गैपिंग, जब आप आगे आएंगे तो यहाँ से ऐसे फंदा उठाना है, एक यहाँ से जो रो आपने निकाली है उन्हीं में से। यहाँ पे हम तीन का एक करेंगे, एक फंदा और लेंगे क्योंकि हमें दो फंदे लेने हैं। यहाँ पे अब मेरे पास हो गए छः फंदे, तो अब हम ये रो कंप्लीट करते हैं। तो हमने इधर की रो कंप्लीट कर ली और देखिए दो गांठ स्टिच आ गई, यानी कि चार रो यहाँ पे बन चुकी हैं। तो अब हम चार फंदे फिर से ये वाले ऑरेंज वाले इसके कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास पहले हम छः फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब चार हम इसमें से बना लेंगे, एक दो तीन चार। अब देखिए दो फंदे मेरे पास ये वाले बचे, एक और दो, दो हमें लेने हैं आगे से, गैपिंग को भरना है। तो यहाँ से फंदा उठाया और एक यहाँ से उठाया, अगले फंदे के साथ हमने तीन का एक कर दिया ऐसे। तो अब मेरे पास ये चार फंदे हो गए, यहाँ से हम ये रो पूरा करेंगे, इसमें जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनाएंगे। इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली, अब हम इसको उतार लेंगे। अब देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब देखिए यहाँ से हम एक दो तीन चार, अब दो हमें आगे से लेना है, गैपिंग को भरना है। तो एक फंदा यहाँ से लिया और एक यहाँ से ले लिया, दोनों रो में से एक एक फंदा लेके तीन का एक कर दिया ऐसे। और यहीं से हम पलट जाएंगे और जो जिस कलर का है उससे हम बना लेंगे। इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली और देखिए यहाँ पे चार रो कंप्लीट होती हैं तो ये दो गांठ स्टिच आ जाती हैं। यहाँ पे ये छह फंदे मेरे पास हो जाते हैं। अब इसी रो में हम चार फंदे फिर से ऑरेंज से कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब चार फंदे हम आगे से लेंगे, एक दो तीन चार। अब हमने चौदह फंदे यहाँ पे ऑरेंज कलर से बुन लिए। अब दो हमने ये बनाए, अब हम दो आगे से लेंगे और गैपिंग को हम भरेंगे। तो यहाँ से हमें फंदा उठाना है और तीन का एक करना है। फंदा बढ़ेगा नहीं घटेगा, वहीं का वहीं जहाँ से आप उठाएंगे वहीं घटा देंगे। और ये हम चार फंदे इससे बनाएंगे, बाकी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से हम फिर से चौदह फंदे ही बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब देखिए इसको हम इधर करेंगे और यहाँ से हम इस कलर से बुनेंगे। देखिए दो तीन चार और एक हम यहाँ से उठाएंगे फंदा, एक यहाँ से उठाएंगे, उसको हम तीन का एक कर देंगे ऐसे। ये देखिए अब हम यहीं से पलट लेंगे और यहाँ पे देखिए जो जैसा है उसको हम लास्ट तक बना लेंगे। इधर की रो हमने कंप्लीट कर ली और देखिए यहाँ पे फिर से ये चार रो आ गई हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे फंदे जब हमने स्टार्ट किया था तो ये वाले चौदह फंदे हमने ऑरेंज लिए थे, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास ये चौदह इसमें कंप्लीट हो गए। अब हम सारे फंदे इसी ऑरेंज कलर से बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ तक आ गए, ये वाले हम चार फंदे एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको उतारा और बूल अपने तरफ किया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह
15, 16, 17, 18, 19, 20 और यहाँ से हम देखिए गैपिंग को भरेंगे और 3 का 1 कर देंगे, 21, 22 और हम 2 ये वाले बुन लेंगे, 23 और 24। देखिए टोटल 24 फंदे मेरे पास आ गए हैं। इधर की रो हम कंप्लीट करेंगे, इसी के साथ ये एक कली बनके कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने ये रो कंप्लीट कर ली और देखिए यहाँ पे एक कली बनके कंप्लीट हो गई। इसी को रिपीट करना है आपको। तो अब देखिए उल्टे तरफ से हमें कलर ऐड करना है, तो यहाँ से हम लगाएंगे ब्लैक कलर। तो ब्लैक से हमने डाला है पिंक कलर से कली, देखिए ब्लैक कलर में। अब देखिए यहाँ से ये 2, 3, 4 यहाँ से हो रही है ये दूसरी कली स्टार्ट। हर कली आपकी स्टार्टिंग से ही शुरू होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। जो आप स्टार्टिंग में बनाएंगे वही चीज़ आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो यहाँ से हम 24 फंदे जो हैं हमारे पास वो हम इसी कलर से बनाएंगे और 2 रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट तक हमने ये बना लिया ऐसे। अब इधर से हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने ये रो कंप्लीट कर ली, तो एक हमने इधर से उल्टी बनाई, वापस उल्टा बना दिया, तो यहाँ पे 2 रो कंप्लीट हो गई, 1 गांठ स्टिच आ गई है। अब हम रिपीट करेंगे इस कली को फिर से। तो हम ये देखिए पिंक कलर की इसमें ब्लैक कलर में बना रहे हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से ही जो बनेगा वही चीज़ आपको फिर से अब देखिए यहाँ से रिपीट करना है। एक फंदा उतार लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 फंदे हमने बुने और अब हम यहाँ से पिंक कलर को ऐड कर लेंगे। आप जो भी कलर ऐड करना चाहें, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हमने बुने, 2 बिना बुने छोड़ दिए और यहीं से हम इसको पलट लेंगे। देखिए इस रो में जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनाएंगे और देखिए इस तरह से ये जब 4-4 रो ये हो जाएंगे उसके बाद हम 4-4 फंदे ऊपर जाएंगे लास्ट के 2 फंदे रहने तक। जितना मर्जी आप बड़ा बनाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और जब ये 2 फंदे रह जाएंगे उसके बाद फिर 4-4 फंदे अंदर आएंगे। 2-2 फंदे इधर से पहले छोड़ेंगे फिर ऐड करेंगे। तो हम ऐसे ही इसको पूरा कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये 8 कली में बना के कंप्लीट कर लिया और देखिए इस कली को हमने सिर्फ अभी उल्टे तरफ से बुना है। अब सीधे तरफ से हम सारे फंदे इसके क्लोज कर देंगे ताकि यहाँ पे ये इस तरह की एक ही रो आए। अगर आप इधर की रो बना देंगे उल्टे तरफ से करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ से हम 2 का 1 करते हुए जाएंगे, लास्ट तक हम सारे फंदे बंद कर देंगे ऐसे। देखिए तो हम कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से हमने सारे फंदे क्लोज कर दिए। अब देखिए हम उल्टा ऐसे कर लेंगे और यहाँ से इसकी हम सिलाई कर देंगे। देखिए ऊपर के साइड से हम बंद करेंगे यहाँ तक, तो यहाँ से हम इस साइड का फंदा लेंगे ताकि सीधे तरफ फिनिशिंग अच्छी आए। यहाँ पे पहले हम अच्छे से टांक लेंगे इसे ताकि ये यूज हो तो खुले नहीं। अब देखिए यहाँ से हम इन फंदों को लेंगे और इधर से इस साइड का फंदा लेंगे ऐसे। तो हम ऐसे ही पूरा कर लेते हैं ये।